आज इस साइकिल का रिव्यू मैं करूंगा और ये साइकिल है मैक सिटी ब्रांड है इसका मैक सिटी। और ये साइकिल में क्या कुछ दिया गया है बेहतर और क्या कुछ है थोड़ा हल्का, पूरा इसका रिव्यू दूंगा। एक एक आइटम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए शुरू से लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ बताऊँगा इस साइकिल के बारे में। नमस्कार जी, मैं हूँ महेश कुशवाहा, आप सभी का स्वागत है साइकिल रिव्यू में। शुरू करते हैं घंटी बजा के। तो सबसे पहले बात करूं कि मैं ये जो साइकिल है किसके लिए बनाया गया है, तो वो लड़कों के लिए बनाया गया है। कौन से लड़कों के लिए और आदमी के लिए, दोनों के लिए बनाया गया, किसके लिए बेहतर रहेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीट से। तो ये दबाने पर काफ़ी मुलायम और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसके साथ ही बहुत ही दबाने पर बहुत ही आरामदायक और मुलायम है बैठने पर, जिसमें कि आपको बैठने पर दर्द नहीं होगा। और इसके साथ ही इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है मैक सिटी की, तो इससे क्लियर हो जाता है कि सीट कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोकल सीट होता है वो काफ़ी हल्का होता है, लो क्वालिटी का होता है। इसके साथ ही यहाँ पे पीछे आपको सीट के नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी लाइट पड़ने पर रात के टाइम में अभी अच्छे से उसको मालूम चलेगा कि सामने कोई साइकिल है। और यहाँ पे क्विक रिलीज लीवर दिया गया है, इसकी मदद से आप सीट को नीचे और ऊपर कर सकते हैं। सीट को आपको जरूरत पड़ने पे चार से पाँच इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके साथ ही इसका कलर देखेंगे तो कलर इसका जो है मैट ब्लैक कलर है, और ये तीन कलरों में आता है। एक तो ऑरेंज आता है, सेम ऐसा ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिलेगी, और दूसरा जो कलर है वो ग्रीन कलर का है, जो लाइट कलर का ग्रीन होता है, तो तीन कलरों में आती है। ये मैं ब्लैक वाले का आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ। इसकी फ्रेम की बात करें तो ये मेटल का इसका फ्रेम है, ये जो फ्रेम है मेटल का है, लेकिन जो इसकी वेल्डिंग की गई है, बनाया गया है, ये काफ़ी फिनिश है, इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये मेटल का है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग दी गई है। और ये जो कलर है काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है, जो कि एक नॉर्मल कलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा चलेगा। ऊपर यहाँ टॉप के ऊपर यहाँ पर टॉप पाइप पर देखेंगे तो यहाँ पर आई बाइक लिखा हुआ है। आई बाइक जो है ये मॉडल है इसका। इसके साथ ही हम देखेंगे हैंडल में, तो हैंडल में यहाँ पे ग्रिप देख सकते हैं, पकड़ने के लिए रबड़ का है और ये दबाने पे काफ़ी कंफर्टेबल है। और छोटे छोटे इसमें दाने से बनाए हुए हैं, जिससे मतलब हाथ फिसलेगा नहीं और पकड़ बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ ही ब्रेक लीवर की बात करें तो ये अलॉय का ब्रेक लीवर है, जो कि ब्लैक कलर का है। 329 ब्रेक लीवर इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर काम करता है पावर ब्रेक के लिए और डिस्क ब्रेक के लिए भी। हैंडल में इसमें मेटल का ये हैंडल है, लेकिन इसमें थोड़े से अलग डिजाइनिंग की गई है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है और लाइट वेट बन जाता है। हैंडल में भी फ्रंट में यहाँ पे एक आपको रिफ्लेक्टर मिलता है वाइट कलर का, जो कि सामने से गाड़ी को दिखाती है कि आप सतर्क रहें, सामने कोई है, और इस पर लाइट पड़ने पर रिफ्लैक्ट करता है। लेफ्ट में भी वही सब सेम है। हैंडल की यहाँ पर बैरिंग की बात करें तो ये जो बैरिंग है इसको MTB टाइप बोलते हैं। इसकी खास चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है कि ये लो प्राइस में ही आ जाती है, थोड़ी सी प्राइस लो से ज़्यादा होगी, बहुत ही थोड़ी, लेकिन लो प्राइस में इसको गिनती किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब इसको ऐसा घुमाया जाए तो लेफ्ट या राइट, तो एक जैसा ही स्मूथनेस मिलेगा, ये नहीं कि आधे राउंड में टाइट आधे राउंड में लूज। और दूसरी चीज़ कि ये बार बार लूज नहीं होती, एक नॉर्मल जो ओल्ड मैकेनिक ओल्ड वाली जो आती है हैंडल की बैरिंग, उसमें क्या होती है बार बार लूज होता है, लेकिन ये लूज नहीं होता, इसकी मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। साथ में क्या है, ब्लैक कलर किया गया है, तो ये ब्लैक कलर होने से क्या है कि ये इसमें जंग नहीं लगेगा, ये मुझे इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगी। फ़ोर्क भी यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोर्क भी जो है ये मेटल का है और काफ़ी बेहतर इसको बनाया गया है। पीपट के साथ में फ़ोर्क आता है, पीपट से बेनिफिट ये हो जाता है कि इसमें ब्रेक जो है पावर ब्रेक लग जाते हैं, जो कि पावर ब्रेक दिया गया है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग दी गई है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये, इसके ब्रेक काफ़ी अच्छे काम करते हैं। और ब्रेक ये जो आर्च है ये अलॉय का है, तो इससे काफ़ी बेहतर क्वालिटी बन जाती है। तो ब्रेक के मामले में इसमें क्या है, अगर दो फिंगर से भी आदमी ब्रेक दबाएगा तो पूरी ब्रेक मिलती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इसके व्हील के बारे में। फ्रंट व्हील में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रालको का टायर दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर माना गया है, और ये लैलून टायर है। इसके साथ ही जो इसमें ट्यूब दिया गया है वो आप देख सकते हैं, साइडर बॉल दिया गया जो ऑटो बाइक वाला, तो इसमें आप एयर प्रेशर जब इसमें आप पंप से या मशीन से एयर डालेंगे तो बहुत ही आराम से चला जाएगा, जिससे पंप जल्दी ख़राब नहीं होता, उस पर लोड कम पड़ता है।
दूसरा इसका एयर प्रेशर यहाँ से चेक किया जा सकता है मीटर लगा करके, इसमें 35 पॉइंट एयर रखना है, 35 पॉइंट इसमें हवा रखना है। रिम की बात करें तो रिम जो है डबल बॉल अलॉय रिम है, और ये रिम काफ़ी मजबूत होता है, और ये डबल बॉल अलॉय रिम है तो इसमें क्या रस्ट कभी भी नहीं आएगा, मुरचा नहीं आएगा, और ये काफ़ी लाइट वेट हो जाता है जिससे साइकिल की स्मूथनेस काफ़ी बढ़ जाती है। स्पोक देख सकते हैं ब्लैक वाले जो कलर के दिए गए हैं तो इसमें भी रस्ट नहीं आता है, दिखाया गया कि इसमें रस्ट ना ही लगे। ठीक है, हब की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं TI की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, जो कि हमारे काफ़ी मेड इन इंडिया ब्रांड है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके यहाँ पे मेटल के हब दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें जो बैरिंग जो नॉर्मली यूज किया जाता है साइकिलों में वो नॉर्मल बैरिंग होता है, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस लेवल की बैरिंग यूज की गई है। अभी ये नया टेक्नोलॉजी आया है, इससे स्मूथनेस और इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये जो देख रहे हैं इसको क्विक रिलीज लीवर बोलते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है इसको बिना रिंच का या पाए से घुमाएंगे इधर की तरफ, उल्टा घुमाने पे क्या होगा ये व्हील बाहर आ जाएगा, ये लूज़ हो जाएगा और व्हील बाहर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है हमको कार वगैरह कहीं लेके साइकिल जाना होता है तो गाड़ी में जगह कम पड़ता है, तो ये व्हील हाथ से निकाल सकते हैं और आप खुद फिट कर सकते हैं, उसमें मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही रिंच की, तो इसे कार में लेके आने जाने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा मिल जाता है। साथ में फ्रेम के हेड पे यहाँ पे देखेंगे तो मैक सिटी यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे ग्लोबो सा बनाया गया है, काफ़ी बेहतर है। डाउन बार जो है इस पर आप देखेंगे मैक सिटी यहाँ पे भी स्टिकर किया गया, डिजाइनिंग यहाँ पे की गई है। डाउन बार पे यहाँ पे आपको दो स्क्रू मिल जाते हैं जो कि बोतल होल्डर फिट करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बोतल होल्डर वहाँ पे फिट कर सकते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। नीचे यहाँ पे हम आएंगे तो जो बॉटम यहाँ पे जो बैरिंग है बॉटम ब्रैकेट स्क्वायर टाइप दिया गया और ये सील्ड है जो कि काफ़ी स्मूथनेस और स्मूथ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका जो स्मूथनेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। चैन व्हील की बात करें तो 42 तीत की जो है ये चैन व्हील है और ये क्वार्टर फिन लेस चैन व्हील क्रैंक है, जिससे क्या होता है जब पैडलिंग करेंगे तो यहाँ पे एक पिन लगा होता है तो बार बार ड्रेस में फंसता है, तो इसमें ड्रेस नहीं फंसता, सारा कुछ इसका नट बोल्ट जो है अंदर की तरफ दिया गया है और ये प्लास्टिक ग्रिप के साथ आता है, तो इससे क्या है कि यहाँ पे आपको कभी भी रस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे प्लास्टिक का गार्ड दिया गया है, चैन कवर नहीं है क्योंकि साइकिल को प्राइस कम और लाइट वेट बनाने की कोशिश किया गया। पैडल जो है इसके काफ़ी बेहतर दिए गए हैं क्योंकि ये अलॉय के पैडल हैं और इसमें भी आपको दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। चैन स्टे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ स्टिकर लगाया गया है, चैन इसमें नॉर्मल डाला गया है, ये थोड़ा मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि साइकिल की क्वालिटी बहुत बेहतर है, चैन अगर थोड़ा सा और बेहतर होता तो अच्छा होता, लेकिन ये चैन नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, नॉर्मल है, अगर थोड़ा और बेहतर किया गया होता तो और अच्छा होता। फ्री व्हील काफ़ी बेहतर, 18 तीत की इसमें फ्री व्हील दिए गए जो कि सिंगल गियर है तो उसमें नॉर्मल यही चलता है। नट इसके जो है तीत वाले दिए गए हैं जिसके कारण से क्या होता है ये लूज नहीं होते हैं जल्दी, कई साइकिलों में होता है चल के लूज जाते हैं। बाकी टायर टू हब जो है जो फ्रंट में दिए गए हैं वही बैक में भी सेम दिए गए हैं, वही ब्रेक वगैरह। दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ हम यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड यहाँ ना डाल करके आपको यहाँ पे दो बोल्ट के साथ में दिया गया और इस स्प्रिंग के साथ में, तो इससे साइकिल का कंफर्टेबल और लाइफ बढ़ जाता है। ये देखिए इसके जो बैरिंग दिए गए हैं पूरा अंदर बैरिंग है, सील्ड है और ये एक साफ ही से स्मूथनेस बढ़ जाती है क्वार्टर पिन लेस क्रैंक के साथ, तो ये सब इस साइकिल में लगा हुआ है। अब बात करें साइकिल की कीमत की तो इस वीडियो में मैं किसी जगह पे आपको इसका एक पोस्टर डाल दूंगा, उसमें साइकिल के बारे में काफ़ी कुछ कंपनी ने लिख रखा है रेट वगैरह भी, बाकी रेट मैं डिस्क्रिप्शन में MRP इसका लिख दूंगा। साइकिल किसके लिए रहेगी तो साइकिल का साइज़ जो है 26 इंच व्हील साइज है, फ्रेम साइज़ जो है 19 इंच है जो कि मीडियम साइज़ का फ्रेम है और 26 इंच का है, तो ये साइकिल किसके लिए सही रहेगा। मिनिमम हाइट 5 फीट चाहिए और ज़्यादा जितना भी हो चलेगा, आप चाहें तो सीट अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, सीट अभी इसका 2 इंची और नीचे भी लेके जा सकते हैं। साइकिल किसके लिए बेस्ट रहती है तो ये पहली पसंद उन लोगों की बनती है जो नए नए ऑफिस ज्वाइन किए हैं, दूसरा जो कॉलेज के लड़के हैं या जो स्कूल में जो एक अच्छे लेवल पर जा रहे हैं प्लस 2 वगैरह या 10 क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए साइकिल बहुत ही पसंद है। और इस खास बात है कि साइकिल में कंप्लेन नहीं है, लोगों की बहुत ही फेवरेट साइकिल है। मैंने बताया था कि अच्छाई और खामियां मैं दोनों बताऊंगा, तो चैन में मैंने बताया कि चैन और बेहतर किया जा सकता था, पर यह नोटिस करने की चीज़ नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल है, उसको कभी भी बदला जा सकता है। दूसरी चीज़ कि ये जो हैंडल बैरिंग है, हैंडल की बैरिंग की क्वालिटी तो कंपनी ने बहुत अच्छी दी है, लेकिन जहाँ भी ये कंपनी से फिट होके आता है काफ़ी पार्ट्स इसके और काफ़ी कुछ पार्ट्स जो है मैकेनिक शॉप में फिट करते हैं, तो वहाँ क्या होता है शोरूम में जब फिट करते हैं तो
क्या होता है कंपनी से फिट हो गया था तो कई बार इसके अंदर बैरिंग में ग्रीस नहीं डालते हैं कंपनी में जो मैकेनिक होते हैं, तो जो शोरूम में फिट होता है अगर वहाँ मैकेनिक ने इसको खोल करके चेक कर लिया इसमें ग्रीस नहीं है तो डाल दिया तो ठीक है, नहीं डाला तो एक दो महीने में ये बैरिंग ख़राब हो जाएगा तो आपको चेंज कराना पड़ सकता है। ये दो चीज़ें मैंने इसमें नोटिस किया, इसमें ग्रीस डालना चाहिए कंपनी के जो भी फिटर हैं, पहले उनकी चीज़ है और कंपनी के क्वालिटी चेकर को ये चेक करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ये साइकिल असेंबल की है तो मैंने इसमें खोल करके देखा तो इसमें ग्रीस नहीं है। ऐसी कई बार शिकायत आती है ग्रीस ना होने के कारण से वो ख़राब होता है, बैरिंग अच्छा है ग्रीस नहीं डलता है। दूसरा चैन और बेहतर होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसको चलाने में, आप देखेंगे एकदम पूरी तरीके से बेहतर चल रही है। तो प्राइस इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।